नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आज जैसा कि आप सब ने पहले की कुछ वीडियोस में भी देखा कि मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हैं और यहां पर ब्राइडल मेकअप, जैसा कि अभी शादियों का सीज़न भी आने वाला है तो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां हम जानेंगे कि कैसे यहां पर इतने सुंदर खूबसूरत मेकअप किया गया है और आज जो मेकअप आर्टिस्ट की क्लास थी मीनाक्षी तुल्ली जी को, उससे क्या क्या बेनिफिट मिले और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले हमारे साथ सर जुड़े हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं। सर मैं कुशेत्रा से हूँ और मेरा अपना ही सलोन है और मीनाक्षी मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत अच्छा सेमिनार था और हमें आके बहुत अच्छा लगा। आप काफी टाइम से कुशेत्रा में ही रन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल हो गए लगभग? मुझे यहाँ पर 6 ईयर्स हो गए। आज 6 ईयर के बाद भी इस इनकी क्लास में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे टिप्स बताए गए हैं जो कि यूजफुल हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे जो उन्होंने टिप्स बताए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी आगे तक लेके जा सकते हैं मेकअप आर्टिस्ट को। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सर ने मेरा मेकअप किया बहुत अच्छा, मतलब मैंने बहुत शोज करे हैं मॉडलिंग के, बट मुझे बहुत डिफरेंट था, मतलब बहुत अच्छा भी लगा, मतलब बाकी सब कुछ भी बहुत अच्छा था। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छे में। और क्या क्या ऐड करना है? और मैं देखो दिख रही हूँ आपको कैसा है। थैंक यू। हाँ जी सर, मैं यमुनानगर से हूँ। हाँ जी जी हाँ, मुझे हो गए 8 ईयर्स हो गए हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी टिप्स पता लगे हैं, काफ़ी मतलब जिस जिसमें हमें प्रॉब्लम होती थी वो हमारी क्लियर हुई है। हाँ जी काफ़ी अच्छी। हाँ जी यूज़फुल रही है जी, चाहे वो स्किन से ले लो चाहे आईज मेकअप से, तो काफ़ी टिप्स मिले हैं, तो काफ़ी मतलब स्किन पैची वगैरह तो काफ़ी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा। हाँ जी, तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं जी। नहीं नहीं रह गए। हाँ जी हाँ जी, इस रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि इसमें टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। हाँ जी जी हाँ जी जी, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को जाता है। हाँ जी जी, अपडेट जब शुरू होता है तो हर जगह। हाँ जी जी, आपने ऐसे बहुत अच्छा हेयर स्टाइल भी। जी यस सर, आईज पे शो करो, देखो आईज का मेकअप कितना अच्छा किया है। मैं तो चाहती हूँ कि ये शो बार बार होते रहे ताकि हमें मॉडल्स को भी मेकअप्स कराने का मौके मिले ऐसा। यस सर श्योर। एंड सर, ये इनका यमुनानगर में सबसे नंबर वन पे मेकअप आर्टिस्ट रही हैं। यस सर, और डेफिनेटली आपके मेकअप को देख के। हाँ जी सर, मैं यही बोल रही हूँ आपको, आप आईज पे थोड़ा शो आउट कीजिए और मतलब ये नंबर वन यमुनानगर में, यमुना नंबर वन है इनका मेकअप। यस सर, थैंक यू सो मच जी। हाँ जी थैंक यू सर। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल आइए प्लीज। वैसे तो मैं एक लर्नर हूँ, ये मेरी जो मेरी बात है आर्टिस्ट हैं। वैसे मेरी आंटी, उनको सफोकेशन फील हो रहा था, जो भी वो तैयार हुई थी तो उन्होंने चेंज कर दिया। हम बड़ी दूर से आए हैं मतलोडा से, स्पेशल मतलोडा से डिस्ट्रिक्ट पानीपत, जानना चाहते थे कि क्या नया सीखने को मिलेगा। जो हमारी मीनाक्षी में जरूर रहती है, जब हम कहीं किसी क्लास की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये क्यूरियोसिटी जरूर रहती है कि हम कुछ नया सीखने जाए। पहली बात ये होती है कि हम क्या सीखने जा रहे हैं और क्या उसमें नया होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आजकल यूट्यूब या फिर इंटरनेट का दौर है, तो यहाँ प्रैक्टिकल जब कुछ देखने को मिलता है तो वो एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें पता लगता है, हमें जानने को मिलता है कि क्या कुछ नया, जैसे मीनाक्षी मैम, उन्होंने एक एक बात को अच्छे से समझाया कि कैसे ग्रे को वैसे चेंज करना होता है, आँखों के लिए ज़्यादा बेटर क्या रहता है, ताकि हमारे जो हमारी मैम वो सेम ही बल्कि सब कुछ बताते हैं, कोई डिफरेंट नहीं था, लेकिन तरीका हाँ बदल जाता। हाँ वो तो है ही, लेकिन यहाँ आने का वो भी है, पता भी लगता है क्या चीज़ है और हमने कुछ कॉन्फिडेंट भी बढ़ता है और पता भी लगता है कि क्या क्या भी सेटिस्फाई अपने आप को सेटिस्फाई। हाँ वो हो जाता है। ये मेरा स्टाफ है, आ जाओ इधर आ जाओ। ये मेरा पूरा ग्रुप है, इन्होंने कम से कम आज मैंने बहुत अच्छा फील किया, सच्ची बहुत अच्छा फील किया, मैं इससे कुछ कह नहीं सकती ज़्यादा। हाँ जी बहुत, हाँ जी बहुत अच्छा टैलेंट था उनका, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया जिस हिसाब से उन्होंने बताया। हाँ जी, मैं उनको यही बताने के लिए आई थी भी।
मेकअप की फील्ड में अगर मैं बात करूं कि अगर कहीं सेमिनार है तो जनरली जो टीचर होते हैं वो आ जाते हैं। हाँ जी, नहीं मैं स्टूडेंट को साथ में रखती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, लोग भी देखो उनको ये रहता है कहीं मैडम ने हमें कुछ गलत तो नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, तो बाहर जाके देखोगे तो उन्हें पता लगेगा भाई हमारे मैम ने हमें क्या सिखाया और उनका क्या था। अब इन्होंने, हाँ जी हाँ जी, अब इनके ये सेटिस्फाई है, बिल्कुल सेटिस्फाई। हाँ जी हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा हम। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा सेमिनार लगा। सेमिनार में गई थी तो उन्होंने सेकंड पोजीशन ही मीनाक्षी मैम से, वैसे श्वेता चौहान से ही प्राप्त की थी, पहले सेकंड पोजीशन ली थी आंटी ने, लेकिन अब की बार ऐसे कॉम्पिटिशन वाइज हुआ नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन बिल्कुल सभी को सिखाना मेन मोटिव था। हाँ जी, लेकिन गाँव की वजह से देखने के लिए हमारा जो नेचुरल ब्यूटी था वो बिल्कुल नेचुरल था गाँव की वजह से, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो ऐसे हो ही जाता है, हाई फाई थोड़ा हो ही जाता है। बहुत अच्छा लगा सेमिनार। हाँ जी, हमें 2-3 ईयर्स हो गए। हाँ जी हाँ जी, टू 1 ईयर्स। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा हमें सीख के, और हम इनको भी थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हमारे सेमिनार, हाँ ग्रुप मिले हैं और सेमिनार, हाँ और हाँ और सेमिनार अटेंड करवाया, हमें बहुत खुशी हो रही है आज। हाँ सच सिखा भी रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया भी दिखा रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है, क्या अपडेट हो रहा है, तभी पता लगता है बच्चों को, ऐसे नहीं पता। तो मैं आपकी मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आप सभी को भी, एक बिजनेस स्टूडेंट आपको बाहर लेके आए। आपने मेरी मॉडल नहीं देखी, मैं मॉडल दिखाती हूँ अपनी, अब उन्होंने समा उतार लिया है, बाकी बड़ा। हाँ जी, अब तो थैंक यू सर, थैंक यू। इस तरह के सेमिनार में आप भी जुड़े और अपने बच्चों को भी और आगे। ओके, थैंक यू सर।